और जहां वेंटिलेटर्स नहीं होते थे और मास्क नहीं होते, पीपी किट का जिक्र हुआ, 2.68 करोड़, ये पीपी किट भारत उत्पाद करने वाला देश बना दुनिया का चीन के बाद दूसरा। 48,000 वेंटिलेटर्स ये भारत की धरती पर इसी दौरान आए। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जिन पीएम केयर फंड के बारे में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, उसको चुनौती दी, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करता हूं और उसी पीएम केयर फंड से 50,000 पीपी किट्स का यदि आगमन हुआ तो केवल उस पीएम केयर फंड के कारण हुआ। इस महामारी के कारण पूरी विश्व में 1930 के बाद की ये दूसरी बड़ी गिरावट थी 4.5% की। और सुकून यह है कि 2021 की आईएमएफ की एक अनुमान बताता है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था वापस रिकवर होके, रिवाइव होके 6% 6% जाएगी, ये उन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। लेकिन लॉकडाउन का फैसला आपने भी किया, लेकिन आपकी पार्टी भ्रमित थी, राष्ट्रीय नेता तो विरोध कर रहे थे और यहाँ पीठ थपथपाया जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आपने जो जिक्र किया, ताली का, थाली का, दिए का, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस 22 मार्च को आप लोगों ने देखा है और आपके बहुत सारे नेताओं के वीडियो और फोटो दिखा दूंगा, क्योंकि वो पूरी लड़ाई से लड़ने की, उसमें न सियासत थी, न पार्टी थी, न दल था, न जाति थी, न पंथ था, न मजहब था, पूरे देश और दुनिया के सामने देश की एकता का वो जश्न मना था, उत्सव मना था, दिवाली मनी थी। आपको तकलीफ थी उसकी, आपको तकलीफ तो 5 अगस्त की भी थी, आप सूर्यगढ़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन देश तो जश्न मना रहा था श्री राम जन्मभूमि के उस शुभारंभ का। माननीय सभापति महोदय, ये जय श्री राम, लेकिन एक दिया सूर्यगढ़ में जला लेते तो देश की जनता देखती उसको अच्छे से। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, न तो ताली से काम चला, न थाली से काम चला, अब तो एक ताबीज और दिलवा दो आप, देखें शायद उससे कुछ हो जाए। मुझे लग रहा है कि आपको रघु शर्मा जी की सेवाएं लेने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा को समझते हुए 50,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। राजस्थान के भी 22 जिले हैं, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कम जब केंद्र ने इतनी मेहरबानी की है तो उसको ठीक से लागू करवा लें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,76,000 करोड़ का प्रावधान, ये कागजी नहीं था, ये जमीनों पर है, आप उसकी क्रियान्विति करा लें तो राजस्थान के अवाम का भला हो जाएगा। जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का आपने उपहास उड़ाया, राजस्थान में 4.5 लाख एमएसएमई हैं, उसमें 26 लाख लोग रोजगार पाते हैं राजस्थान के। यहां पर 50 लाख जिस स्ट्रीट वेंडर्स के 10,000 के लोन की घोषणा की थी, राजस्थान में भी 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप में भी हिम्मत हो, आप उसको एग्जीक्यूट किए, केंद्र की सरकार ने आपको पैसा दिया है। आप किसानों की बात करते हो, 2.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड इसी पैकेज का हिस्सा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब आपने कहा कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, उस 2870 करोड़ रुपए उस नरेगा के मद में और मजदूरी, आप तो पीठ थपथपाते थे, आपकी योजना है 182 से 202 मजदूरी इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उज्ज्वला के 62,77,000 कनेक्शन, राजस्थान के तमाम लोगों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर उसी मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। प्रदेश के 1,52,00,000 खातों में, 1,52,00,000 खातों में, और सुन लीजिए, यही देश था, यही हुकूमत थी, 40 करोड़ खाते जनधन के मोदी जी के राज में खुले हैं और 1,52,00,000 खातों में 500 रुपए लगातार 3 किस्त। एसडीआरएफ के 740 करोड़, पीएम किसान के 37,20,000 किसानों को लगातार 2,000 रुपए की लगातार किस्तें 3 महीने तक, दिव्यांगों, वृद्धों और विधवाओं के लिए 9,87,781 लाभार्थियों को 50 करोड़ का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया। डीएमएफटी के 2765 करोड़ रुपए बनते हैं,
30% हेल्थ सर्विसेज पर 830 करोड़ रुपए इन्हीं मोदी जी की अनुशंसा पर आपको मिले। माने चिकित्सा मंत्री जी को 1780 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत की सरकार ने अप्रैल में आपको दे दिए थे। एफसीआई ने 5 अप्रैल को 34,000 मैट्रिक टन ये अनाज आपको राजस्थान की सरकार को दिया था, और जो 2500 रुपए की आप पीठ थपथपा रहे थे, राजस्थान की जनता को तो पता नहीं होगा, आपने फुसला लिया होगा, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश से 2500 रुपए जो आप लोगों ने दिए थे वो भारत सरकार के प्रावधान थे जो आपको मिले। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के आप लोगों ने प्रवासियों की फिक्र करी, लेकिन आप चौंक जाएंगे, देखिए पहले हकीकत सुनिए। 16 लाख आपने बताया सुबह, 16 लाख इस तरीके के मजदूर आए, उसके अलावा आपने 55 लाख लोगों का, श्रमिकों का पंजीयन किया, और आपका वेब पोर्टल राजकोशल, माननीय सभापति महोदय, प्रवासी मजदूर आए कुवैत से भी आए, प्रवासी मजदूर बंबई से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से आए, प्रवासी मजदूर खैरात से नहीं आए थे, उनमें बहुत सारे लोगों का कौशल था, एसेट है वो, और आने वाले समय में वो 100-200 किलोमीटर में रोजगार देखेंगे। राजस्थान की सरकार को चाहिए था, आप बाड़े में बंद होकर कह रहे थे काम कर रहे, आपने राजकौशल पोर्टल बनाया, उसमें लोगों को पंजीकृत किया, रोजगार कितने लोगों को दिया, 16 लाख का आंकड़ा सुन लीजिए, रोजगार दिया 2,325 उस पोर्टल की हालत देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको दूसरे सरकारों से सबक लेने की आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश का योगी का जिक्र करते हो, उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदला, और जब चीनी ऐप पर बैन लगा तो 45,000 करोड़ का नुकसान चीन को हुआ, 21,000 करोड़ का फायदा भारत को होगा, क्योंकि 21,000 करोड़ रुपए वो हिस्सा भारत का ज्यादा था। भारत की सरकार के सामने अवसर था, अनेक प्रदेशों की सरकारों ने, उसमें योगी की भी सरकार शामिल है, जिसमें चीन की अनेक मोबाइल कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगने जा रही हैं। राजस्थान की सरकार में यदि मैपिंग करती, उसका प्रयास करती, तो निश्चित रूप से वो कंपनियां राजस्थान में भी आ सकती हैं। अभी भी मौका है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, इस संकट के अवसर पर आप चर्चा कर रहे थे कोरोना की, और कोरोना से उत्पन्न आर्थिक स्थिति की, उन आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न अवसरों की, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी भी समय है। जो आधारभूत ढांचा जिसकी आप जिक्र करते हो, आप उद्योगों में सिंगल विंडो की बात करते हो, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि वोकल फॉर लोकल के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं, उन श्रमिकों को जो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उनका डिफरेंशिएट करके उन लोगों को ठीक तरीके से यदि रोजगार की दिशा में ले जाएंगे, राजस्थान का भला कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, मैं ये तो नहीं कह सकता कुछ भी नहीं किया, आप लोग खुश होते हो भीलवाड़ा मॉडल पर, मैं ये देखता हूं पूरे कोरोना के कालखंड में दो बातों की खुशी जाहिर करते हैं आप, एक तो भीलवाड़ा मॉडल की, और दूसरी आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ करी। अरे कुछ तो खुद भी करना सीखो। जब प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी तो मुझे लगता है कि अब इस बात पर आपको भी चिंता करने की कि प्रदेश में खतरा कम नहीं हुआ, चुनौती कम नहीं हुई, आप सहकारी संघवाद को चुनौती देते हो लेकिन उसका सम्मान करना भी सीखें। इसलिए सभापति महोदय, इस प्रदेश में स्क्रीनिंग की, सैंपलिंग की, टेस्टिंग की, और कोरोना से उपस्थित जितनी तमाम चुनौतियां उनको पूरा करने की आवश्यकता है। हमारी सरकारें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना खर्चा करती हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है कि नीचे के गांव के सब सेंटर, उनकी पीएचसी, सीएचसी, उनको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रफी खान।